अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। पाकिस्तानियों की आदत बयान करते हुए कहते हैं कि जब हम पाकिस्तानियों के यहाँ साबुन ख़त्म होने वाला होता है तो नए साबुन के साथ उसे भी लगा देते हैं। सोने की कीमत में इजाफा देखकर बड़े परेशान होते हैं, लेकिन सोना ख़रीदते तो नहीं है। जब टूथपेस्ट ख़त्म होने वाली होती है तो उसको पीछे से दबा दबा कर उसका कतरा कतरा बाहर निकालते हैं। नए बर्तन मेहमानों तक संभाल के रखते हैं, जब कोई मेहमान आता है तभी निकालते हैं, वरना कोई खरोश ना आ जाए। जब टी शर्ट पुरानी हो जाती है तो उसे नाइट ड्रेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब वो उसके काबिल में नहीं रहती तो उससे पोछा बना लेते हैं। दो लड़कियां एक जगह आकर बैठती हैं। वो दोनों कहती हैं कि वो जो हमारी दोस्त है उसके मियाँ का हार्ट फेल हो गया है। दूसरी जो औरत होती है वो पूछती है कि कैसे। वो कहती है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, बीवी ने कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो दूसरी औरत कहती है इस वजह से मियाँ गम से फौत हो गए, मियाँ का गम से हार्ट फेल हो गया। दूसरी कहती है नहीं नहीं खुशी से दिल को बर्दाश्त नहीं कर सके। एक जज मुल्ज़िम से कहता है कि तुमने उस शख्स को क्यों मारा। मुल्ज़िम कहता है कि जज जी इसने 2 साल पहले मुझे गेंडा कहा था। तो जज कहता है कि तुम इतने 2 साल का बदला आप ले रहे हो। तो वो शख्स मुल्ज़िम कहता है कि मैंने गेंडा आज देखा है। एक दांत का डॉक्टर एक इंसान के दांत निकाल रहा होता है। तो वो इंसान कहता है कि आपने मेरे सारे दांत निकाल दिए हैं, अब जो ख़राब था वो तो अभी तक आपने निकाला नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आज इंशाल्लाह ज़रूर निकाल लूँगा। वो मरीज़ कहता है कि कैसे। अब डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारे मुंह में दांत एक रह गए। थैंक्स।